I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm guessing the sand of the sand never lasts. She's so bad that the chair made the bag off the mess. And I'm guessing the path of the sand never lasts. She's so bad that the chair made the bag off the mess. And I'm guessing the path of the sand never lasts. She's so bad that the chair made the bag off the mess. And I'm guessing the path of the sand never lasts. She's so bad that the chair made the bag off the mess. I'm inspired by thirst. I'm inspired by... Hey guys, welcome back to a new video. इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग ब्लू पेप एमुलेटर में फ्री फायर के लिए परफेक्टली की मैपिंग कैसे कर सकते हो। इस एमुलेटर में मैं आप लोगों को बेस्ट की मैपिंग बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट लगेंगे, आप लोगों की सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। उसके अलावा गाइस, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि इस एमुलेटर में हम लोग मैक्रो कैसे सेट करते हैं, या फिर अगर आप लोग इस एमुलेटर में फास्ट रिमोट करना चाहते हो, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो आप लोग कैसे कर सकते हो। उसके अलावा अगर ब्लू पेप एमुलेटर में आप लोगों की फ्री फायर की मैपिंग ओपन नहीं होती, या फिर इस एमुलेटर में की मैपिंग से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी इशू आता है, तो उसका फिक्स भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि ब्लू पेप एमुलेटर को यहां पे हम लोग ओपन करेंगे, और यहां पे इसमें आप लोग फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। अगर इस एमुलेटर में की मैपिंग की बात की जाए, तो सिंपली से आप लोग फ्री फायर की जो इन गेम सेटिंग्स होती हैं उनको ओपन करेंगे। कंट्रोल्स में आने के बाद हम लोग कस्टम एचडी को ओपन कर लेंगे। यहां पे गाइस, आप लोगों को समझाने के लिए मैं जो कस्टम एचडी है उसको रिसेट कर लूंगा। आप लोगों ने कस्टम एचडी में दो बड़े चेंजेस करने होंगे। एक तो ये होगा कि ये जो जॉयस्टिक वाला बटन है, इसके साइज को आप लोगों ने 10% पे शिफ्ट करना है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है ड्रैग करके। सेकंड नंबर भी आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे ये जो फायर बटन है, इसके साइज को आप लोगों ने 30 या फिर 31 रख लेना है, और इसकी पोजिशन को आप लोगों ने चेंज नहीं करना। फायर बटन के साइज को आप लोग अगर कम करते हो, तो आप लोगों के ज्यादा हेडशॉट लगते हैं। कस्टम एचडी में इतना चेंज करने के बाद, अभी आप लोग यहाँ पे ब्लू पेप एमुलेटर में राइट साइड पे ये जो टूल बार है, इस पे एक कीबोर्ड वाला आइकन होगा, जिसपे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस एमुलेटर की मैपिंग ओपन हो जाएगी। अगर आप लोग इस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, आप लोगों की मैपिंग ओपन नहीं होती, तो इस पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी गाइस, की मैपिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे वैसे तो मैंने फ्री फायर के लिए की मैपिंग की हुई है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये करेंगे कि यहाँ पे ये जो जॉयस्टिक वाला बटन है, इसको ला के यहाँ पे आप लोग जॉयस्टिक वाले बटन पे एडजस्ट कर लेंगे। इसका जो इफेक्टिंग एरिया होगा, उसको हम लोग कम कर लेंगे। अगर आप लोग ये जो एरिया है इसको कम नहीं करते, तो आप लोगों की जॉयस्टिक बार-बार स्ट्रक हो जाएगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है माउस को लॉक एंड अनलॉक करने वाला बटन, जिसको आप लोगों ने सिंपली ये जो यूज वाला बटन है, इससे थोड़ा सा ऊपर रख लेना है। माउस को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए आप लोग कोई भी की असाइन कर सकते हैं। जो भी बटन यहाँ पे आप लोग रखना चाहते हैं, उसको प्रेस करेंगे तो वो की यहाँ पे असाइन हो जाएगी। मैं मोस्टली कंट्रोल की को यूज करता हूँ माउस को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, सो सिंपली मैं यहाँ पे उसको यूज कर लूंगा। लेफ्ट क्लिक को आप लोग एज अ फायर बटन यूज करेंगे, और राइट माउस क्लिक बटन से आप लोग स्कोप को यूज कर सकते हो। गाइस, बाकी जो कीज होंगी उनको आप लोग वन बाय वन करके जैसे भी एडजस्ट करना चाहो, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। इस तरह से आप लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसमें की मैपिंग कर लेनी है। साथ ही इस एमुलेटर में आप लोगों को मैक्रो का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसको यूज करते हुए आप लोग फास्ट ग्लू वॉल या फिर भागने के लिए आप लोग कोई भी मैक्रो लगा सकते हो। उसके अलावा इस एमुलेटर में रिपीटेड की का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको यूज करते हुए आप लोग इस एमुलेटर में फास्ट रिमोट कर सकते हो। वैसे फास्ट रिमोट पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। इस तरह से की मैपिंग करने के बाद सिंपली आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे, और की मैपिंग को सेव करने के बाद गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो एक आई वाला आइकन आप लोगों के पास शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा करते हैं, तो जो भी कीज हमने असाइन की होती है वो स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगी। अगर आप लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दोगे, तो ये जो कीज होती है ये आप लोगों के पास स्क्रीन पे शो नहीं होंगी। अभी आप लोग इस एमुलेटर में जैसे भी फ्री फायर को प्ले करना चाहो, आप लोग इजिली प्ले कर सकते हो। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।